हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं आपको स्टार जैस्मिन के बारे में बताऊंगी। इसे कुंदा भी बोलते हैं या बन मालती भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्टार जैस्मिन बोलते हैं या फिर डाउनी जैस्मिन भी बोलते हैं। देखिए, ये ठंड में खिलने वाला फ्लावर है। इसके बारे में मैं आपको अब पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो में। अभी जैसे नवंबर से ये स्टार्ट हो जाता है खिलना, दिसंबर फरवरी तक खिलते रहता है। देखिए, बहुत ही सेंटेड फ्लावर होते हैं इसके। मार्केट में सेम इसी का दो वैरायटी होता है, एक जिसके फूल में सेंट नहीं होता और एक जिसके फूल में सेंट होता है। मेरा वाला जो है सेंटेड है, क्योंकि मैंने इसको सेंट की वजह से ही ख़रीदा था। बहुत ही छोटा सा था ये, अभी इसका 5 साल 6 साल जैसा हो गया ये, तो ये अभी बड़ा हो गया है थोड़ा। इसका बीच बीच में मैंने ट्रिमिंग भी कर दिया था। देखिए कितने साइज़ के पॉट में लगा हुआ है ये, 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है ये। और ये सिर्फ ठंड के दिनों में ही फ्लावरिंग करता है। बहुत प्यारी खुशबू है इसकी, फ्लावर्स की ये भीनी भीनी खुशबू है। एक फूलों में जैस्मिन तो ऐसे भी फेमस है सेंट के लिए ही। तो देखिए, इसको जो पानी देना होता है ना, इसके पत्तों में और फूलों में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए, उससे फंगस का अटैक हो जाता है। सिर्फ इसके सॉइल में ही पानी देना चाहिए, और इसको बहुत पानी चाहिए, इसलिए मैं इसको डेली वाटरिंग करती हूँ, क्योंकि इसका सॉइल पता नहीं डेली ही सूख जाता है। अगर आपके यहाँ कुंदा फ्लावर का प्लांट का सॉइल डेली नहीं सूखता तो आप डेली मत दीजिए, अदरवाइज इसको पानी चाहिए ही होता है। जब इसका सॉइल थोड़ा सूखा सूखा लगे आप तभी इसको पानी दीजिए। बात करें इसके सॉइल की, तो इसके सॉइल में पानी जमा नहीं होना चाहिए। आप वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, कोकोपेट सैंड गार्डन सॉइल ऐसे मिक्स करके बनाइए, थोड़ा भुरभुरी मिट्टी बनाइए, ताकि पानी उसमें देने के साथ ही निकल जाए, टिके नहीं। देखिए कितने सारे कलियाँ भी आ रही हैं। नहीं, जब ये फ्लावर करना शुरू करता है तब उस टाइम इसको हफ्ते में एक बार आप ज़रूर एक मुट्ठी गोबर खाद देते रहिए, नीम खली एक मुट्ठी। जस ऐसे थोड़ा ऊपर का मिट्टी, इसका आप मिट्टी को गुड़ाई कर दीजिए थोड़ा सा, और उसके ऊपर आप एक मुट्ठी गोबर खाद, थोड़ा सा नीम खली ऐसे देते रहिए, तब इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और ये फ्लावरिंग करते रहता है। बिकॉज़ फ्लावरिंग के टाइम इसको बहुत खाने की ज़रूरत होती है, तो या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र NPK भी दे सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करिए कि जैविक खाद ही दे, आप ऑर्गेनिक खाद ही दीजिए, उससे प्लांट लंबा चलता है। अदरवाइज इसका जो सॉइल है, मिट्टी है, वो एसिडिक होने लगता है धीरे धीरे, तो जैविक खाद ही आप ज़्यादातर इस्तेमाल करें। बाकी देखिए कितना अच्छा है इसका, ऐसे लंबी लंबी पतली पतली टहनियाँ होती है। इसको आप बसंत स्प्रिंग सीजन सॉरी स्प्रिंग सीजन आने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले इसकी थोड़ी थोड़ी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इधर उधर फैल जाता है इसका ब्रांचेस। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं है, छोटा सा लाई थी मैं, बहुत इससे भी बहुत बड़ा हो गया था, पर मैंने प्रूनिंग कर दिया। अब हो गई सॉइल की बात, पानी की बात, अब करेंगे सनलाइट की बात। तो इसे बहुत धूप चाहिए, आराम से 4-5 घंटा का डायरेक्ट सनलाइट चाहिए इसको। तो धूप में रखिए, अगर आपके बेलकोनी में, छत में, जहाँ धूप आती है बहुत ज़्यादा, वहाँ रखिए इसे। ये छाँव में अच्छा नहीं चलता, और छाँव में तो बिल्कुल भी फूल नहीं देगा ये। ठंड के मौसम में भी ये, अगर आप इसको छाँव में रख देंगे, ये फूल नहीं देगा। अगर आपको सारा साल ही ऐसा प्लांट चाहिए जो पूरा परमानेंट हो, तो ये एक परमानेंट पौधा है। इसे आप अपने गार्डन में रखिए, जैसे ही नवंबर स्टार्ट होगा ये फूल देना शुरू कर देता है, जनवरी फरवरी मार्च तक देते रहेगा, और ये परमानेंट प्लांट है, इसको आपके साथ सालों साल चलेगा। और इसकी देखभाल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हार्डी प्लांट है। एक बार अब लगा दीजिए तो बस ये अच्छे से चलते रहता है। इतना कोई इसको बीमारी भी नहीं होता, इतना कोई पेस्ट भी इसको नहीं होता है, तो इतना मुश्किल प्लांट नहीं है। जैसे हिबिस्कस वगैरह को बार बार बीमार हो जाते हैं, या फिर कोई कीड़े मकोड़े उसमें आ जाते हैं, इसमें वैसा नहीं है। इसमें मिलीबग भी नहीं लगते, इसमें एफिड्स भी नहीं लगते, तो बहुत इजी है ये प्लांट।
इसकी देखभाल करना बहुत इजी है। बीच बीच में आप इसकी प्रूनिंग करें, जब भी ऐसा लगे कि बहुत लेगी सा बहुत पड़ गया है, तब इसके टिप में फ्लावर्स आते हैं, गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं। देखिए ऐसे गुच्छों में फ्लावर आते हैं, एक दो करके खिलते रहते हैं। कलियाँ भी बहुत सारी बन जाती है और बहुत सुगंधित वातावरण कर देता है ये, बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसको ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, बहुत अच्छा लगता है जब कलियाँ खिल के आती है, मन को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये गार्डनर ही समझ सकेगा मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। बहुत सारे गार्डनिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।